वंस अगेन वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज के इंग्लिश स्पीकिंग में हम बात करेंगे बहुत ही बेसिक चीज़ों में, हालांकि हो सकता है आपको ये चीज़ें पता भी हों। तो इस बेसिक में हम ये बात करेंगे कि जैसे सॉरी, थैंक यू, वेलकम, एक्सक्यूज मी, इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल क्या करें, कहाँ पर करें। और जैसे आपको किसी ने बोल दिया सॉरी तो अब आप क्या कहें, आपको किसी ने कहा थैंक यू तो अब आप क्या कहें, और किसी ने गलती बहुत बड़ी की और उसने आपसे कह दिया सॉरी तो, और आप उस गलती को माफ़ नहीं कर सकते तो आप क्या करें, या अगर आपको कहना है तुम ऐसी गलती बेटा दोबारा मत करना तो हम क्या कहें। आमतौर पर जैसे कहा जाता है सॉरी तो आपने कह दिया इट्स ओके, लेकिन माफ़ नहीं करना चाहते हैं तो आप क्या करें। तो अब सबसे पहली चीज़ शुरुआत होती है बाबू, जैसे हम थैंक यू कब बोलें, तो असल माने में सबसे पहले मसला ये होता है कभी भी थैंक यू नहीं होता है। इंग्लिश बोलते समय अपने मुँह को बहुत ही मुख्तसर खोल लें, इट्स थैंक यू थैंक यू थैंक यू, ना कि थैंक यू, बहुत ज़्यादा मुंह को आपको नहीं खोलना है, ठीक, बहुत ही पोलाइटली होकर बोलनी है और मुंह को बहुत ज़्यादा बहुत मुख्तसर खोलना है। थैंक यू का इस्तेमाल अब आपको पता होगा कि जब कोई गिफ्ट दिए तो थैंक यू बोल दो, तो बेटा ये ज़रूरी नहीं है। ऐसा नहीं कि आपको जब कोई गिफ्ट दे तो आप थैंक यू बोलें और गिफ्ट ना दे तो थैंक यू आप ना बोलें। पहला मसला ये होता कि जब कोई गिफ्ट दे तो थैंक यू बोलें, अगर कोई गिफ्ट दे तो आप थैंक यू बोल सकते हैं। इसके साथ साथ अगर किसी भी एंगल से आपकी कोई मदद करे तो भी थैंक यू बोल सकते हैं। जैसे आपको किसी ने लिफ्ट दिया, देन यू कैन से थैंक यू। आमतौर पर होता क्या है, आपने किसी को हाथ दिया, वो आपको बैठाया उसने और ले जाकर आपको आपकी डेस्टिनेशन तक पहुंचा दिया, और आप उतरे और नवाबों की तरह चल दी जैसे आपके अब्बा ने पेट्रोल उसमें डलवाया था, तो ये गलत बात है। अगर उसकी गाड़ी से आप गए हैं तो ये ज़रूरी है कि आप उसको बोल दें ताकि उसको भी अच्छा फील हो। फॉर एग्जाम्पल, आपने किसी को लिफ्ट दिया, अब वो गया उतर कर भाग गया, तो आपको भी लगता होगा कौन एक बैठाए ले रहे हैं, और अगर वो कह दे भैया थैंक यू तो आपके मन को भी एक अच्छा फील होता होगा। तो ज़िंदगी में आप वैसे इंसान बने जैसे जिस तरह के इंसान से आप मिलना चाहते हैं। हम चाहते हैं हर कोई अच्छा हो, हर कोई हमारा सम्मान करे, तो हम कितना सम्मान करते हैं बाबू ये ज़्यादा मैटर करता है। तो कहने का मतलब ये है कि अब जब किसी को कोई लिफ्ट दे, आपको कोई जब लिफ्ट दे तो क्या बोलें, थैंक यू। आपकी कोई हेल्प करे क्या बोल दें, थैंक यू। इवन आपसे कोई रास्ता भी बताता है तो आप क्या कह दें, थैंक यू। अब आपको कहना है कि गाँव इलाके में जाते रहने समझी नहीं पाई है तो वहाँ पर आप शुक्रिया भी बोल सकते हैं, मैंने कब कहा कि आप अंग्रेज बन जाइए। आप कुल मिलाकर अपने आप को एक्सप्रेस करिए, ठीक। आपके टीचर्स ने आपकी हेल्प की, थैंक यू। कॉपीज़ अगर चेक करते हैं, थैंक यू। बैठने के लिए कह दिया, थैंक यू। आप किसी ऑफिस में गए, किसी दफ्तर में गए, और तो सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है कि किसी भी दफ्तर में अगर आप जाएं, ऑफिस में जाएं, तो बिला इजाज़त बैठना नहीं चाहिए। कुछ लोग की आदत क्या होता है, गए और तुपाए मर बैठ गए, ये सबसे गलत आदत होता है। जब तक बैठने के लिए ना कहा जाए बैठे ना, चाहे जितने भी आप उम्र में बड़े हों या ओहदे में बड़े हों। और अगर बैठने के लिए आपको कह दिया जाए तो आप क्या कहेंगे, थैंक यू, ठीक। और इसी के अलावा आपको गिफ्ट पर बोल सकते हैं, बैठने के लिए कहा जाए, टीचर्स आपकी कॉपी चेक करें, आपको कोई रास्ता बताए, किसी भी एतबार से आपको कोई मदद करे, इन जगहों पर आप थैंक यू बोलें। फिर ये सॉरी क्या होता है, अब सॉरी बोलते समय सबसे पहले ये जानें कि कभी भी ये सॉरी नहीं होता, इट्स सॉरी सॉरी। गर्दन झुका कर अकड़ और गुरूर में कभी भी सॉरी का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। जैसे हम तो सॉरी, या जैसे डांट देते हैं, सॉरी सर डैट्स नॉट करेक्ट, ठीक। अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए तहजीब में आप बोलें, क्योंकि वहाँ पर आप माफ़ी मांग रहे हैं, कोई यहाँ पर गुस्सा आप नहीं जाहिर कर रहे हैं। तो इंग्लिश बोलते समय या किसी भी भाषा को बाबू बोलते समय सबसे अहम होता है एक्सप्रेशन, कि आपका टोन कैसा था जब बोल रहे थे आप। तो सही माने में उसको कहते हैं सॉरी सॉरी सॉरी, ना कि सॉरी, ठीक। सॉरी जैसे कोई किसी भी एंगल से अगर आपसे बाबू कोई गलती हो जाती है तो आपको क्या कहना चाहिए, सॉरी। ऐसा होने से जैसे फॉर एग्जांपल दो लोग क्लास में बैठकर बात कर रहे थे, टीचर आए, बहुत मारेंगे अभी बात कर रहे हो, या गुस्से में आए, मारने जा रहे थे, फिर सर सॉरी सर अब नहीं गलती करेंगे सर, तो हो सकता है आप बच जाएं। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि सॉरी की एक कुछ क्राइटेरियाज होती हैं। ऐसा नहीं बार बार गलती करो, बार बार सॉरी बोलो, बार बार गलती करो, बार बार सॉरी बोलो, डैट्स नॉट एप्लीकेबल एज आई थिंक। आपको अभी आपको टीचर मारने जा रहे थे, आपने कहा सॉरी, अब फिर पाँच मिनट बाद फिर तुम वही काम कर रहे हो, फिर पाँच मिनट बाद फिर वही काम कर रहे हो, तो भैया इसमें मेरी गारंटी नहीं कि आप बच जाओगे। तो आप किसी भी चीज़ को जब बोलें तो उसकी एक डेफिनिटी होती है, आप एक बार दो बार बोलें, और बेहतर यह है कि उस गलती को आप बार बार दोहराएं नहीं। तो थैंक यू और सॉरी दो चीज़ों ने आपने सीख लिया। आमतौर पर दूसरी जो एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, जैसे हम कुछ जगहों पर कहते हैं एक्सक्यूज मी, इसका इस्तेमाल आप कहाँ पर करें। आमतौर पर आपने कहीं पर बाइक पार्क कर दी, या जैसे आप तो वहाँ पर कोई आकर बैठ गया, तो आप ये तो नहीं कह सकते कि तुम्हारे बाप का नहीं भैया यहाँ से हटो, तो आप वहाँ पर क्या कह दें, एक्सक्यूज मी। तो वो क्या होगा, अगर समझदार इंसान होगा तो वहाँ से हट जाएगा, वहाँ पर अब शब्द बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, बैठना तो उसको बैठ गया, कुछ खा नहीं जाएगा वो। दूसरी चीज़, जैसे आप किसी भी गेट से गुजर रहे हो और उस गेट पर गुजरते समय रास्ता किसी ने ब्लॉक करा, अब रास्ता आपको जाने के लिए नहीं है, वो आपसे छोटे या बड़े आप कह सकते एक्सक्यूज मी, क्या होगा फिर साइड हो जाएगा और आप चले जाएंगे। दूसरा, अगर किसी ने आपको जैसे बर्थडे विश किया,
ठीक। तो बर्थडे विश करते समय कहेगा हैप्पी बर्थडे, और अच्छे तरीके से विश करना चाहते हैं तो हैप्पी बर्थडे टू यू, मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, और अगर बेहतर करना चाहते हैं कॉर्डियली विशिंग यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे। अब कॉर्डियली का मतलब क्या होता है, तहे दिल से, ठीक है। कॉर्डियली विशिंग यू अ कॉर्डियली विशिंग यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे, यानी तहे दिल से आपके जन्मदिन का ढेरों शुक्रिया। इस तरह से आप क्या करते हैं, बहुत और शब्दों का इस्तेमाल करके आप बना सकते हैं, जैसे कॉर्डियली विशिंग यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे, मे गॉड गिव यू अ लॉन्ग लाइफ एंड गॉड फुलफिल ऑल योर पॉजिटिव ड्रीम्स, यानी आपको जो जन्मदिन था, ज़्यादा बड़ा तो नहीं हो रहा, जन्मदिन का आपका जो है ढेरों शुक्रिया, अल्लाह आपको लंबी जिंदगी दे और अल्लाह आपकी हर जायज़ दुआ को कबूल अता फरमाए, ठीक, या ईश्वर आपकी जो सारी जो है सकारात्मक मनोकामना को पूरी करे। लेकिन तब आप क्या कहें, जब आपको किसी ने हैप्पी बर्थडे बोला हो तो आप कह सकते हैं थैंक यू सो मच, थैंक्स अलॉट। और मॉडर्निटी में इंग्लिश में, और ये चाहते हैं कि कोई डिक्शनरी खोल कर देखे कि भैया इसका मतलब क्या होता है, तो आप बोल सकते हैं मीरियड ऑफ थैंक्स। अब ये मीरियड क्या होता है, MYRIAD, मतलब होता है असंख्य या अनगिनत या बेशुमार। जैसे आपको कहना है बेशुमार शुक्रिया आपको, तो कह सकते हैं मीरियड ऑफ थैंक्स, यानी बहुत बहुत आपको शुक्रिया, या थैंक्स अलॉट भी आप बोल सकते हैं। थोड़ा सा अगर यूनिक करना चाहते हैं अपनी बातों में, आप बहुत ज़्यादा आप कम्युनिकेशन स्किल को डेवलप करते समय अगर अपने आप को यूनिक शो करना चाहते हैं तो वर्ड्स भी आप यूनिक इस्तेमाल करें, आप कह सकते हैं मीरियड ऑफ थैंक्स, मीरियड ऑफ थैंक्स, यानी जो है बेशुमार आपको शुक्रिया। इसी क्रम में अगर किसी ने हैप्पी न्यू ईयर बोला हो तो आप वहाँ पर मीरियड ऑफ थैंक्स की जगह पर आप सेम टू यू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि वो जन्मदिन तो सबका नहीं है। जैसे मान लीजिए आपको कह दिया हैप्पी बर्थडे, तो आप सेम टू यू नहीं कह सकते क्योंकि आपका जन्मदिन उस दिन नहीं होता है। लेकिन अगर उस वक्त का जन्मदिन भी आपके जन्मदिन के साथ है या आपका जन्मदिन भी पड़ता है तो आप सेम टू यू बोल सकते हैं। किसी ने जैसे आपको हैप्पी न्यू ईयर विश किया तो आप कह सकते हैं सेम टू यू। अगर किसी ने आपको जैसे दिवाली विश किया और आप दिवाली सेलिब्रेट नहीं करते हैं तो आप कहेंगे थैंक यू एंड सेम टू यू, ठीक। तो इस तरह से आप इन चीज़ों को विश कर सकते हैं, थैंक यू की जगह पर आप मीरियड ऑफ थैंक्स बोल सकते हैं, बर्थडे को आप इस तरह से आप इवेलुएट करके कह सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, प्लीज़ कंटिन्यू योर स्टडीज, इफ़ यू वॉन्ट टू प्रोग्रेस एंड प्लीज़ सपोर्ट टू अस, फ्रॉम द सपोर्ट ऑफ यू एंड ऑल वी हैव अचीव 700+। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।